तमिलनाडु के दक्षिणी इलाकों में आजकल बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तमिलनाडु में बारिश और बाढ़ के चलते पैदा हुए हालातों में 3 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के थुट्टुकुड़ी जिले में कई जगहों पर रविवार को 555 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके चलते थुट्टुकुड़ी में बाढ़ से आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान से बाढ़ से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से खाने के पैकेट और अन्य जरूरी सामान गिराकर लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने की कोशिश की है। मौसम विभाग ने बताया है कि मंगलवार को भी तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई के मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 घंटों में तमिलनाडु के कराईकल और कई अन्य जिलों में बिजली कड़कने के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान है उनमें पुट्टुकुड़े, तंजावर, थिरुवर, नागापत्तिनम, रामनाथपुरम और शिवगंगाई शामिल है। वहीं थेनी, तेनकासी, कन्याकुमारी, थिरुनेलवेली, थुट्टुकुड़ी, विरुद्धनगर जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। भारी बारिश से तमिलनाडु के दक्षिण जिलों में ट्रेन यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। तिरुनेलवेली और तूतीकोरिन जिलों में बीते 24 घंटों में करीब 670 मिलीमीटर और 932 मिलीमीटर बारिश के चलते यहां ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं। कई स्टेशनों पर पानी भर गया है। वहीं ट्रेन सेवाएं बाधित होने और भारी बारिश की वजह से थिरुचेंदूर और तिरुनेलवेली स्टेशन के बीच चलने वाली एक ट्रेन में 800 यात्री फंस गए हैं, जिन्हें स्थानीय जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित जगहों पर ले जाने की तैयारी की जा रही है। एनडीआरएफ ने बताया है कि उसकी 2 टीमें फंसे हुए रेल यात्रियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।